देखने को मिल सकता है कि एक एक घंटा यहाँ लगाते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सब देख के? जयश्री बालाजी, मैं हर्ष गोयल कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र से। और माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण करने के बाद हम अपने घर कुरुक्षेत्र पहुँच गए हैं। और हमारे कुरुक्षेत्र में आप सब जानते हैं गीता जयंती महोत्सव लगा हुआ है, जो कि शुरू हो चुका है। जब शुरू हुआ था हम वैष्णो देवी थे, और आज हमारे साथ ये मेरा भाई आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गीता जयंती में क्या क्या चल रहा है। लगभग सारी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और ये ड्रामेबाज आज आपको साथ साथ मिलेंगे मेरे साथ, जितने भी ये ड्रामेबाज है सर। और जब भी आप आना चाहो तो आपको इस ब्लॉग में दिखा देंगे क्या क्या है यहाँ पर, तो उस हिसाब से आप आ जाना। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। ये हर बार की तरह अगर आप अपनी घरवाली के साथ, अपनी बहन के साथ और किसी के साथ भी आ रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि एक एक घंटा यहाँ लगाते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सब देख के? पैसा बर्बाद। देखो लगभग यहाँ सारा सामान आपको ऐसे ही मिलेगा, है ना? हमारे मतलब का तो कुछ मिलता नहीं। हमारे मतलब का भेलपुरी मिला है, भेलपुरी सिर्फ लड़कियों के मतलब का मिलता है ना। ये देखो ये चीजें मिलती है हमारे मतलब की। यहाँ पता क्या है? भेलपुरी, भेलपुरी, पापड़, जलेबी, जलेबी, इसके अलावा कुछ नहीं है। खाकरा ढोकला, खाकरा ढोकला, जलेबा, इसके अलावा लड़कों के लिए कुछ नहीं है। पुट्टी बाल या फिर ये चीजें भी मिल जाएगी आपको। देखिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सारा लड़कियों का। जहाँ मर्जी घूम लीजिए, सारा फीमेल का सामान है। क्योंकि पता है सबको, पता है कि जो सस्ती बहुत है, क्योंकि सबको पता है जो खरीदता है, जो खरीदता है सिर्फ लड़कियाँ खरीदती है। आदमी सिर्फ आते हैं खर्चा करने के लिए, जेब खाली करने के लिए। है जय श्री। ये देखिए दूर दूर से बच्चे आते हैं स्कूल का ट्रिप भी। आजकल आप पूरे हरियाणा का, पंजाब का जो भी स्कूल का ट्रिप है वो हमारे कुरुक्षेत्र में आ रहा है गीता जयंती महोत्सव में। आप देख सकते हैं ये जय श्री बालाजी। एक बात का ध्यान और रखें, जब भी आप आए, छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं या किसी के साथ भी आ रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ ले, क्योंकि यहाँ भीड़ कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है और भीड़ के कारण बच्चे गुम हो जाते हैं। अभी भी हम यहाँ पर हैं और हम देख रहे हैं हर कम से कम 2 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है, किसी ना किसी का कोई ना कोई खो गया है। तो आप सबसे अनुरोध, जब भी आए अपने बच्चों का हाथ जरूर पकड़ ले और गुम होने से बचें। जय श्री श्याम, जय श्री।
ऐसे गुब्बारे वाले बहुत मिल जाएंगे, तो बच्चों को इनसे दूर रखें, क्योंकि ये कितने का दे रहे हो? ये तो हमसे भी भाग रहे हैं यार, ये तो हमसे भी भाग रहे हैं यार, ये कह रहे हैं हमारी वीडियो मत बनाओ। ये फिर आ गए, लो कितने का है बता दो, कितने का है? 10 रुपए का। आपको एक दिक्कत आ सकती है जब आप एंट्री लो, तो आपको अपना व्हीकल खड़े करने की दिक्कत आ सकती है, तो जब भी आए अपना व्हीकल थोड़ा बाहर खड़ा कर आए, आपको शायद यहाँ पर बैरियर के साथ रोक लिया जाएगा। तो बाकी आपको दिखाते हैं अगले व्लॉग में। बेलपुरी खाओगे? तुम खाओगे? Yes. हम तो नहीं खिलाते आपको अंदर, अगर आप चलने में असमर्थ है तो आपको अंदर ई रिक्शा की भी व्यवस्था मिल जाएगी, वो आपको मेन गेट से मिलेगी जो कि यहाँ का सेंटर गेट है। आप जब भी आओ पार्किंग के पास, जो यहाँ की मेन पार्किंग है उसके पास आपको ई रिक्शा की व्यवस्था मिल जाएगी। तो अगर आप चलने में असमर्थ है तो आप तब भी आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आने देगी, तो जरूर से जरूर आए हमारे।